स्वागत है आप सभी का एक और इसकी बड़ी बोपड़ी की वीडियो में। और आज हम एक न्यू सीरीज देखने वाले हैं जिसका नाम है स्किबिडी टॉयलेट डार्क जोन। वेल, आप लोगों ने ही पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि डार्क जोन को एक्सप्लेन करो, सो हियर आई एम विद न्यू सीरीज जो कि बनाई है स्किबिडी टीवी नाम के यूट्यूबर ने। तो चलो फिर एपिसोड 1 से शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत ही होती है बिल्कुल तबाही वाले नजारे से, जहां पर टॉयलेट्स कैमरामैन को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी एक टॉयलेट के ऊपर बिजली का झटका लगता है और हम देखते हैं कि एक नया करेक्टर आ चुका है जिसके पास बिजली को मैनुपलेट करने की सुपर पावर्स है। वेल, इसका नाम है इलेक्ट्रिक मैन और अच्छी बात यह है कि ये अलायंस का अच्छा दोस्त है। वीडियो खत्म होने से पहले हम एक टाइटन को उड़ते हुए भी देख सकते हैं जिसका नाम है रोबो टाइटन, और हम इस टाइटन को आने वाले एपिसोड्स में फिर से देखेंगे। जिसके बाद एपिसोड 2 में हम इलेक्ट्रिक मैन और अलायंस को साथ काम करते हुए देख सकते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक टॉयलेट हमला कर देता है। वेल, इलेक्ट्रिक मैन है तो डरना किस बात का। जिसके बाद आता है एक और बड़ा वाला टॉयलेट, बट अगेन बड़ा वाला इलेक्ट्रिक मैन है तो डरना किस बात का। ये यहाँ पर आता है और टॉयलेट को उसकी औकात दिखा देता है। तीसरे एपिसोड में हम जी टॉयलेट को पहली बार देखते हैं और यही हमें पता चलता है कि रोबो टाइटन भी इन्फेक्ट हो चुका है। जी टॉयलेट इससे पंगे ले रहा होता है, लेकिन तभी इसका साथी इसे रोक देता है। बट यहाँ मामला थोड़ा गर्म हो जाता है और ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी इनकी लड़ाई को रोकने के लिए इनका लीडर आ जाता है और आते ही बोलता है, करोगे बहस, मारो दोनों के थप्पड़। और ये दोनों डर के बोलते हैं, नहीं मालिक, माफ कर दो, आगे से बहस नहीं करेंगे। जिसके बाद एपिसोड 4 की शुरुआत होती है तबाही से और हम देखते हैं कैमरा वुमेन का जलवा, जिसने अकेले ही टॉयलेट्स की आधी आर्मी को ऐसे ही संभाल रखा है। फिर आते हैं अलायंस के बाकी के मेंबर्स जैसे कि टीवी रेस, और हम देखते हैं एक ह्यूज कैप्सूल जिसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। बट फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मैन की टीम को जिनके ऊपर एक ड्रिल टॉयलेट हमला करने वाला होता है, बट तभी ह्यूज स्पीकर मैन आकर उसे पकड़ के फेंक देता है। अबे जाना, रास्ता ना आप अपना। और फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मैन को उस कैप्सूल को एक्टिवेट करते हुए, जिसमें से निकलते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन्स जिनमें कैमरा लगे हुए थे, और अब ये ड्रोन्स इनविजिबल हो जाते हैं, यानी अब ये इनविजिबल कैमरा ड्रोन हर किसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी को नजर आए। जिसके बाद अगले एपिसोड में एक बड़ा टॉयलेट अलायंस के मेंबर्स को मार रहा होता है, लेकिन तभी एक इलेक्ट्रिक मैन उनमें से दो को बचा लेता है और यहाँ पर टेलीपोर्ट होता है टाइटन टीवी मैन, जो कि एक दो मुक्के मारते ही इस टॉयलेट को इसकी औकात दिखा देता है। और फिर आता है एक ड्रिल वाला टॉयलेट जिसको आसानी से टाइटन टीवी मैन संभाल लेता है और बोलता है, ना मुन्ना ना, अपने बाप को बुला। बट टॉयलेट लोग ये बात सीरियसली ले लेते हैं और इसका बाप आ जाता है, जिसको देख के टाइटन टीवी मैन भी लाइक सीरियसली। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन इस टॉयलेट को बिना सर्फ एक्सेल लगाए कपड़ों की तरह धो रहा है, जिसको बचाने के लिए दूसरे टॉयलेट को आना पड़ता है जो कि टाइटन टीवी मैन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और मौके का फायदा उठाकर ये टॉयलेट जमीन में अंदर घुस जाता है। लेकिन टाइटन टीवी मैन को इतना गुस्सा आता है कि ये दूसरे टॉयलेट की आरी पकड़ के उसी के मुंह पे रगड़ देता है। तभी पीछे से पहला वाला टॉयलेट बाहर आता है ये सोच के कि टाइटन टीवी मैन को मार देगा, बट बेचारा अंधा हो जाता है और 100 टॉयलेट को ही मार देता है। फिर हम देखते हैं कैमरा मैन को जिसके हाथों में टैबलेट होता है और उसमें लिखा होता है रोबो टाइटन इज इन्फेक्टेड। जिसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रोबो टाइटन हर जगह तबाही मचा रहा है, जिसको रोकने के लिए टाइटन टीवी मैन हाजिर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। टाइटन टीवी मैन इसका वायरस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पहले वाला ड्रिल टॉयलेट वापस आ जाता है और इसके ऊपर हमला करने लगता है। टाइटन टीवी मैन के खिलाफ बहुत सारे टॉयलेट्स आ जाते हैं और ये कंफ्यूज हो जाता है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। जिसके बाद अगले एपिसोड में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एंट्री होती है टाइटन इलेक्ट्रिक मैन की, जो कि आते ही बिजली के झटके मार के सभी टॉयलेट को उनकी औकात दिखा देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके
के आसपास सभी टॉयलेट्स घेरा बनाने लगते हैं। जिस सिचुएशन से निपटने के लिए टाइटन इलेक्ट्रिक मैन पहले तो टाइटन टीवी मैन को एक इलेक्ट्रिक डोम के अंदर बंद करता है और फिर पूरे एरिया में बिजली के स्प्लैशेस मार देता है, जिससे सभी टॉयलेट मर जाते हैं और टीवी टाइटन भी बच जाता है। रोबोट टाइटन बच के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन उसको पैरों से पकड़ के रोक लेता है और टाइटन इलेक्ट्रिक मैन उसको पकड़ के स्टन कर देता है और आसानी से टीवी टाइटन उसका वायरस हटा देता है और रोबो टाइटन अनइन्फेक्ट हो जाता है। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि रोबो टाइटन उड़ते हुए कहीं जा रहा है, वेल ऑब्वियसली अलायंस को बचाने के लिए, क्योंकि एक भद्दे से टॉयलेट ने इनके ऊपर हमला कर दिया है। रोबो टाइटन यहाँ पर पहुँचता है और इस भद्दे से टॉयलेट को पीटने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉयलेट्स मौजूद है, बट डोंट वरी, टाइटन इलेक्ट्रिक मैन ने इनको संभाल रखा है। फिर आता है टाइटन टीवी मैन और हम देखते हैं कि इनकी अलायंस कितनी मजबूत है, बट यहाँ पर एक टॉयलेट है जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। जिसके बाद अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि सभी टॉयलेट्स की फटी पड़ी है, क्योंकि मालिक आने वाले हैं और वो पूछने वाले हैं सवाल। और फिर आता है जासूस टॉयलेट जो कि मालिक को बताता है कि मालिक रोबोट टाइटन सही हो चुका है, और ये सुनते ही मालिक को आता है गुस्सा और बोलता है कि तुमसे एक टाइटन नहीं संभलता, एक टाइटन, और उनके हथियार को तोड़ देता है। और फिर आता है बगल में एक बम्बल बी जैसा टॉयलेट और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि टाइटन लोगों से लड़ने के लिए टॉयलेट्स का लीडर खुद हाजिर हो चुका है। जो रोबो टाइटन है वो संभालता है छपरियों के बम्बल बी को और टाइटन टीवी मैन निकल पड़ता है मेन वाले लीडर से लड़ने के लिए। टाइटन टीवी मैन टॉयलेट से लड़ता है, लेकिन टॉयलेट भी काफी ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रोबो टाइटन इस छपरियों के बम्बल बी के साथ आओ मिलो सिलो सालो खेल रहे हैं, जिसमें रोबो टाइटन जीत जाता है और वो निकल पड़ता है टाइटन टीवी मैन की मदद करने के लिए। टाइटन टीवी मैन टॉयलेट के ऊपर स्क्रीन रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये टॉयलेट उसकी दो स्क्रीन्स को तोड़ देता है और रोबो टाइटन को सुलाने की कोशिश करता है, बट रोबो टाइटन इसकी आरी पकड़ लेता है। और फिर आता है टाइटन टीवी मैन को गुस्सा और अपनी यूनिबीम को चार्ज करने लगता है, लेकिन तभी एंट्री होती है टाइटन इलेक्ट्रिक मैन की, जो कि इस टॉयलेट को रोक देता है। लेकिन ये टॉयलेट भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए अपनी ढाल लगाता है और पीछे से टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के ऊपर हमला करने के लिए कैनन्स निकालता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन उसे देख लेता है और अपने हाथ को टेलीपोर्ट करके उन कैनन्स को पीछे से काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइटन इलेक्ट्रिक मैन इतनी तगड़ी बिजली मारता है कि इस टॉयलेट की ढाल ही टूट जाती है, जिसकी वजह से टाइटन टीवी मैन को मुक्केबाजी करने का मौका मिल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबो टाइटन का एक हाथ टूट जाता है, बट रोबो टाइटन भी कम थोड़े ना है, एक लेजर मारते ही इसे छपरियों के बम्बल बी की टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन रोबो टाइटन की एनर्जी लो हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉयलेट एक टावर के बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो टावर रोबो टाइटन के ऊपर गिरने लगता है। टाइटन टीवी मैन उस टावर को पकड़ता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो टॉयलेट टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के अटैक से बच के भाग जाता है। जिसके बाद एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक वुमेन और विलन के साइड से एक न्यू करेक्टर जिसका नाम है ग्रिम टॉयलेट, और इसकी स्पेशल एबिलिटी ये है कि ये किसी भी टॉयलेट को अपने काबू में कर सकता है, चाहे जिंदा या मरा हुआ, और उसको एक स्केलेटन टॉयलेट में कन्वर्ट कर सकता है। और ये टॉयलेट टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को धमकी देता है कि मैं ऑलरेडी टाइटन टीवी मैन और रोबो टाइटन को मार चुका हूँ, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन सबको भी मार दूंगा, जिसकी वजह से मजबूरी में टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को शांत रहना पड़ता है ताकि ये टॉयलेट इसके ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन इस टॉयलेट की पावर्स टाइटन इलेक्ट्रिक मैन के ऊपर काम नहीं करती, जिसको देखकर ये टॉयलेट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टली टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन हाजिर हो जाते हैं। ये दोनों टाइटन्स टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट इन दी एंड टाइटन इलेक्ट्रिक मैन को ले जा लिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल टॉयलेट्स और स्कल टॉयलेट्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं, यानी इन दोनों की आपस में कुछ खास बनती
नहीं है। और फिर हम देखते हैं एस्ट्रो टॉयलेट को जो कि एक स्केलेटन टॉयलेट को मार देता है। और तभी इस लोकेशन पर एंट्री होती है टाइटन कैमरामैन और टाइटन स्पीकर मैन की। और हम देखते हैं कि ये दोनों टाइटन्स यहाँ पर एस्ट्रो टॉयलेट से लड़ने के लिए नहीं आ रखे, बल्कि ये पूछने के लिए आ रखे कि क्या किसी ने इनके दोस्त को देखा है। एस्ट्रो टॉयलेट बोलता है, मैंने तो नहीं देखा, इस खोपड़े से पूछो अगर इसने देखा है तो। और वो खोपड़े से पूछते तो हैं, बट मुझे लगता है वो बताता नहीं है, इसलिए एक खोपड़े को फोड़ देते हैं। और भी आगे जितने भी खोपड़े आते हैं उन सबको संभालने के लिए टाइटन स्पीकर मैन की न्यू एबिलिटी ही काफी है। वेल, टाइटन स्पीकर मैन है ही कूल। खैर, इसके बाद हमें कोई भी क्लू पता नहीं चलता और एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद भी काफी कहानी बाकी है, लेकिन वो हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद।